अगला छुपाई है, लखन कहा हसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। यह उस समय का वर्णन है जब परशुराम जी क्रोध भरे शब्द लक्ष्मण जी से कहते हैं और लक्ष्मण जी कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने तो जाना है हे देव, हमने तो जाना है कि सभी धनुष एक ही समान है। लखन कहा हसी हमने, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमने तो सुना है समझा जाना है कि सभी धनुष एक समान है। यहाँ लक्ष्मण जी धनु ही यानी साधारण धनुष और शिव जी के धनुष को समानता बताते हुए कुछ व्यंग भरे शब्दों में कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इसको तोड़ने से क्या क्षति क्या हानि और क्या लाभ है, देखा राम नैन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसे नया नैन मैंने नए के भ्रम में देखा था, नए के भ्रम में ही देखा था। छुवत टूट रघुपत ही न दोषु, छुवत टूट यानी छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। छुवत टूट रघुपत ही न दोषु, मुन बिनु काज करी कत रोषु। श्री रामचंद्र जी के छूते ही यह धनुष टूट गया, हे मुनि अब बिना काज भी वजह ही रोष यानी गुस्सा कर रहे हैं, हे मुनि अब बिना वजह ही नाराज हो रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रेशठ सुने ही स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर परशुराम जी बोले चिते परशु की तरफ मुख करके और दिखाते हुए कहते हैं, रेशठ अरे मूर्ख, सठ मने मूर्ख, रेशठ सुने स्वभाव न मोरा, तुम मेरे स्वभाव को विषय में नहीं जाने हो। यानी लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते कि रे मूर्ख तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक जानकर मैं तुम्हें बालक जानकर बध नहीं तो ही मैं तुम्हारा बध नहीं करता यानी तुम्हें नहीं मारता, बालक समझकर मैं तुम्हें नहीं मारता। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल मुझे साधारण मुनि ही जानते हो। परशुराम जी कहते हैं कि केवल तुम मुझे साधारण मुनि ही समझे हो जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, हे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधित हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व के लोग को विदित है ज्ञात है, विश्व के सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। आगे परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हे, मैंने भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को इस धरती को भूप भूप मैंने राजा कितनी बिनु किन्हे, अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को राजा विहीन किया, विपुल बार मैं देवन दिन्हे, और कितनी बार मैंने इस धरती को देवताओं को दान दे दिया, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मह देवन दिन्ही, यानी अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को कितनी बार छत्री विहीन कर इस देवताओं ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, आगे कहते हैं कि सहस्त्र बाहु जो राजा थे सासाराम के, तो उनके सहस्त्र भुजा थे, उनके बहुत भुजाएं सहस्त्र थे, तो उनके भुजाओं को छेद निहारा यानी काटने वाला अलग करने वाला। परशु विलोक महीप कुमारा, हे महीप मने राजा, हे राजा के लड़के तुम इस परशु मने फरसे को विलोकु यानी देखो, हे राजा के लड़के तुम इस फरसे की तरफ देखो जो सहस्त्रा बाहों के भुजाओं को काट दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। आगे कहते हैं कि मात पितही जन सोच बस करसि महीस किशोर, मात पिता ही जन सोच, हे राजा के लड़के महिष मने राजा, हे राजा के लड़के तुम अपने माता और पिता के विषय में थोड़ा सोचो। ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें प्राण हर लेता हूँ या प्राण
धीन कर देता हूँ, तो अपने माता और पिता के कष्ट को सोचो। हे राजा के लड़के, तुम माता पिता यानी सोच बस माता पिता के विषय में सोचो, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। आगे कहते हैं कि ये परशा, ये जो फरसा है मेरा, अत्यंत कठोर घोर अत्यंत तीक्ष्ण है। जो गर्भ में पल रहे बालक का भी समाप्त कर सकता है, बालक भी समाप्त हो जाते हैं, ऐसा इस कठोर इस फरसे को देखो। इस सौबाई का भाव पक्ष है, यहाँ परशुराम जी के शौर्य का वर्णन है, लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन है। इसमें वीरस और रौद्र रस की छटा देखी गई है। और इसमें बालक बोल बध सुनो स्वभाव आदि में अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार जगह जगह पर देखने को मिला है, तो चौपाई समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, इसको दोहराइए।